Hello friends, welcome to Global Online University channel. Please like and subscribe the channel before you watch the video and also click the bell icon. तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे टॉपिक हमारा ऑर्गन डायग्राम. तो फ्रेंड्स ऑर्गन डायग्राम क्या होता है? इट इज अ कोरिलेशन डायग्राम. ओके फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंटल कोई चीज नहीं है और केवल हाई स्पिन के लिए लगता है. ओके फ्रेंड्स, कोरिलेशन डायग्राम है, नॉट एक्सपेरिमेंटली कोई चीज नहीं है, केवल हाई स्पिन के लिए लगता है. तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी है फ्रेंड्स D1 और D9. तो फ्रेंड्स क्या होगा, D1 और D9 में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. ओके फ्रेंड्स, वन इलेक्ट्रॉन होगा वो अनपेयर्ड. तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल लिखा है, मैंने ग्राउंड स्टेट टर्म लिखा है 2D. ओके फ्रेंड्स, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसके लिए नहीं लिखा है. एक्चुअली फ्रेंड्स बहुत सारे इसके, जैसे कोई भी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है, टर्म सिंबल बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमें वही कंसिडर करने हैं जो हमारे लिए यूजफुल है. ओके फ्रेंड्स, तो इसका मैंने कंसिडर नहीं कराया है, तो इसका 2D आया फ्रेंड्स. तो और D2, मतलब D2 में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और D8 में क्या होगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे बट उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे. ओके फ्रेंड्स, D3 और D7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे सेम हुआ, D3 में भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और D7 में भी, D4 और D6 का. तो फ्रेंड्स यहाँ D2 और D8 के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, 3F ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा 3P. ओके फ्रेंड्स, D3 और D7 के लिए होगा 4F और 4P. और D4 में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और D6 में भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, और D5 में क्या होगा, 6S. D5 में आपका स्प्लिट नहीं होता, D5 में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, स्पिन फॉरबिडन हो जाता है. इसके लिए कोई स्प्लिटिंग नहीं होता, केवल ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होता है 6S. जैसे मैं आपको निकालना ही बता देता हूँ, D1 का जैसे मैं निकालते हैं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, तो D1 हो गया फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, तो क्या होता है टर्म सिंबल क्या निकालने के लिए, 2S+1 मल्टीप्लिसिटी इनटू n. ओके फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लिसिटी 2S+1, s क्या हो गया, स्पिन हो गया, तो स्पिन क्या हो गया, हाफ, तो हाफ इनटू ये, तो ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा फ्रेंड्स. ओके, 2L. अब L क्या होता है फ्रेंड्स, L क्या होता है, ये प्लस 2 हो गया, ये प्लस 1 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस 1 हो गया, माइनस 2 हो गया. तो 2 इंटू मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आ गया. तो SPDF, तो ये फ्रेंड्स आपको पता ही है, ये L की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, ये SPDF. तो L की क्या होगी फ्रेंड्स, 2 आ गई, तो ये D हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, L की जगह में क्या लिख दूंगा, तो 2D. ओके फ्रेंड्स, तो 2D इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा, ऐसे हम निकाल लेंगे. तो फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गन डायग्राम. ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस की बातें, कि ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आएगा और आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टर्म क्या आएगा. अब फ्रेंड्स हमें कुछ टर्म्स याद करने हैं, जैसे SPDF. तो ये जो टर्म्स है ना फ्रेंड्स, इनको एज ए ऑर्बिटल हमें कंसिडर करना है, SPDF. तो एस में कितने होते हैं, 1 ऑर्बिटल होता है, पी में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और डी में कितने होते हैं फ्रेंड्स, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. ओके फ्रेंड्स, एफ में कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो हमें ये चीज, ये टर्म हमें याद करने पड़ेंगे कि इनके स्प्लिटिंग फैक्टर्स क्या क्या, स्प्लिटिंग टर्म्स क्या होते हैं. तो एस का क्या होता है फ्रेंड्स, A1G, ये आपको याद करना पड़ेगा, हैव टू लर्न. ओके फ्रेंड्स, पी का क्या होगा, T1G. ओके फ्रेंड्स, डी का क्या होगा, T2G प्लस EG होगा, ये तो आपको पता ही है, डी किस में स्प्लिट होता है, T2G प्लस EG होता है. और एफ में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, T1G प्लस T2G प्लस A2G. ओके फ्रेंड्स, ये चार टर्म हमें याद करने हैं, ये हमें बहुत काम आएंगे. तो फ्रेंड्स ऑर्गन डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं, इट इज अ बेसिकली थ्योरेटिकल डायग्राम है और कोरिलेशन है. अगर हमें एक दो या तीन अगर हमने याद कर दिए फ्रेंड्स, तो हम सारे के सारे ऑर्बिटल ऑर्गन डायग्राम बना लेते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ D1 के लिए. तो D1 के लिए अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करता हूँ तो क्या होगा फ्रेंड्स, 2D होगा. तो D1 के लिए बनाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स मैं. ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, डी किस में टूटता है, डी किस में स्प्लिट होता है फ्रेंड्स, T2G हो गया फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, और ये क्या हो जाएगा, EG हो गया. ओके फ्रेंड्स, ये 2D यहां लिख देंगे फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, तो T2G स्प्लिट होगा, ये जो 2 है ये इसके ऊपर लगा देंगे. ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया, ये EG हो गया. अब फ्रेंड्स एक बात हमें ध्यान देनी है, कि अगर हम इनको इनकी ट्रिक्स बतानी, मतलब ट्रिक्स अगर हमें ये ड्रॉ करने हैं तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं. अब आपको ये ध्यान रखना है, मैं ऑक्टाहेड्रल की का ही बना रहा हूं. ओके फ्रेंड्स, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल 5-5 के डिफरेंस पे इनके जो आपके ऑर्गन डायग्राम होंगे ये सेम होंगे. जैसे अगर मैं D1 का बना रहा हूं ना, तो D1 n+5 क्या हो जाएगा, D6 का टर्म
ऑर्गन डायग्राम सेम होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल 5-5 के डिफरेंस पे सेम होते हैं और ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल 10-10 के डिफरेंस पे सेम होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इस ट्रिक्स को अगर आप अपना लिए तो आप ऑर्गन डायग्राम कभी नहीं भूल सकते। ओके फ्रेंड्स, और जो D1 का जो ऑर्गन डायग्राम होगा और उसका जो D9 का हो गया यानी N+10 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो D9 का जस्ट इसके रिवर्स होगा। तो यही कंक्लूजन निकला है कि ऑक्टाहेड्रल में 10-5-5 के डिफरेंस पर उनके ऑर्गन डायग्राम सेम होंगे और 10-10 के डिफरेंस पर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो D9 का अगर मैं बनाने जाऊं फ्रेंड्स तो क्या होगा, ये 2D इधर हो जाएगा, 2D होगा, बस ये जो स्प्लिटिंग फैक्टर है ये चेंज हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा EG और यहां पर आ जाएगा T2G, ये चूका तू यहां पर लगेगा। ओके फ्रेंड्स, बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं D2 का, यानी D9 का बता दिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं D2 का कैसे बनाएं। ओके फ्रेंड्स, D2 और आपका N+5 मतलब ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स D7 का ऑर्गन डायग्राम सेम होगा। तो D2 का अगर मैं याद कर लेता हूं, बस ये थोड़ी सी ट्रिक अपनानी है आपको। D2 यानी D2 किसका, इसका क्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अभी मैं D2 की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो D2 का ग्राउंड स्टेट टर्म किस किस में स्प्लिट हुआ, ये 3F+3P। ओके फ्रेंड्स, D2 स्प्लिट हुआ है 3F+3P, तो 3F लिखा फ्रेंड्स मैंने। ओके फ्रेंड्स, यहां पर लिख दिया मैंने 3F। अब देखिए फ्रेंड्स, F कितने में स्प्लिट होता है, ये बात हमें ध्यान देनी है। T1G+T2G+A2G ने तीन में स्प्लिट होगा, ये बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया T1G T2G और आपका क्या हो जाएगा A2G। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए P कितने में स्प्लिट होता है, P एक में स्प्लिट होता है, वो हो गया आपका T2G। ओके फ्रेंड्स, ये T2G हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं फ्रेंड्स, ये हो जाएगा A2G और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स T1G। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो 3 है वो इनके ऊपर लगा दो। ओके फ्रेंड्स, ये 3 इनके ऊपर लगा दो। अब अगर हमें कंफ्यूजन ना हो तो इसके सामने P लिख दो फ्रेंड्स, इसके सामने F लिख दो। ओके फ्रेंड्स, तो D2 का हमने ऑर्गन डायग्राम सीख लिया, तो इसके N+5 मतलब इसका हो गया आपका D7। D7 का जो ऑर्गन डायग्राम होगा वो बिल्कुल सेम होगा एज इट इज इसके। ओके फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए आप कि F स्प्लिट होता है T1G T2G और A2G में। ओके फ्रेंड्स, तो D2 का हो गया फ्रेंड्स ऑर्गन डायग्राम। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं D3 का ऑर्गन डायग्राम। D3, ओके फ्रेंड्स, D3 का ऑर्गन डायग्राम में के लिए थोड़ा सा हमें चीज याद रखनी है। D3 किस किस में स्प्लिट हो जाएगा फ्रेंड्स, 4F+4P में स्प्लिट होगा। ओके फ्रेंड्स, 4F+4P में स्प्लिट होगा, तो 4F यहां लिख देते हैं फ्रेंड्स। तो 4F ये चीज। ओके फ्रेंड्स, T2G यहां पर था ही फ्रेंड्स, तो इसमें एक लिटिल बिट चेंज होगा कि जो A2G था ना वो फ्रेंड्स नीचे आ जाएगा A2G। ओके फ्रेंड्स, A2G नीचे आ जाएगा और ये जो T2G होगा ये आपका ये ऊपर भाग जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये F के लिए हो गया, ये F के लिए हो गया, ये F के लिए हो गया, और जो ये 4 है इसके ऊपर लगा दीजिए, ये 4। अब किस में, 4P में भी था फ्रेंड्स, तो यहां पर 4P लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, 4P का भी T1G होता है और F का भी T1G होता है, तो हमें ये बताया अगर सेम सिमेट्री के हो तो वो क्रॉस ओवर कर जाएंगे, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, तो ये चीज ये क्या हो जाएगी, ये थोड़ा नीचे भाग जाता है फ्रेंड्स और ये थोड़ा ऊपर भाग जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा T1G, ये हमने जैसे MOT में भी पढ़ा है कि
आपका लो बिकम्स लोअर हो जाता है, स्पिन क्रॉसओवर एक टाइप से रूल लग जाएगा, लो बिकम्स लोअर और हाई बिकम्स हायर। तो ये टी वन जी ये पी हो गया और ये टी वन जी ये एफ हो गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स ये एफ हो गया, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब जो फोर है वो इसके ऊपर लगा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, बट ये बस यही रहेगा कि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, अनलेस सेम सिमेट्री के टर्म्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये डी थ्री का हो गया, ऐसे ही आपका क्या बन जाएगा डी एट का भी सेम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर डायग्राम अब मैं दूसरा वन बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स आपको, मैं डी फोर का ऑर्गन डायग्राम, डी फोर का। तो डी फोर किस में टूटा है फ्रेंड्स, फाइव डी में टूटा है। ओके फ्रेंड्स, तो फाइव डी में टूटा है तो आपको भाई तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ये फाइव डी यहाँ लिख दो फ्रेंड्स। तो डी किस में होता है स्प्लिट, टी टू जी और टी जी में, तो ये यहाँ पर टी टू जी लिख दिया फ्रेंड्स और यहाँ पर लिख दिया ई जी। ये फाइव है तो ये फाइव इसके ऊपर लगा दिया, ये फाइव इसके ऊपर लगा दिया। ओके फ्रेंड्स, ई जी। तो डी फोर और क्या हो जाएगा, एन प्लस फाइव अगर मैं करता हूं तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मतलब डी नाइन, डी नाइन और डी फोर का जो टर्म्स ऑर्गल डायग्राम होगा वो डी नाइन के जस्ट सेम होगा। ओके फ्रेंड्स, तो डी नाइन का भी यही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो डी फाइव है वो स्प्लिट नहीं होगा, उसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल एस आता है और एस किस में होगा, ए के में होगा, ए वन जी में ही टूटेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाता है स्पिन फॉरबिडन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एट लास्ट कंक्लूजन हमारा ये निकला कि अगर हम ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर हम एक या दो ऑर्गल डायग्राम हमें पता हो तो उनकी सहायता से हम सारे ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कंक्लूजन हमारा ये निकला कि ऑक्टाहेड्रल, कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल फाइव फाइव के डिफरेंस पर, फाइव फाइव के डिफरेंस पे उनके ऑर्गल डायग्राम सेम होंगे, सेम होंगे उनके ऑर्गल डायग्राम, यानी ओ डी, ओ डी से मैं डी नोट कर रहा हूं ऑर्गल डायग्राम। तो इससे क्या डियर फोर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी डी एन अगर ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं तो इक्वल्स टू हो जाएगा डी एन प्लस फाइव ऑक्टाहेड्रल। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा कंक्लूजन ये निकला कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल टेन टेन के डिफरेंस पे सेम होंगे। अगर मैं डी वन का ऑक्टाहेड्रल बना रहा हूं तो डी नाइन का टेट्राहेड्रल सेम होगा, बस क्या डिफरेंस हो जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल में जी लगता है और टेट्राहेड्रल में जी नहीं लगता। आपको पता ही है फ्रेंड्स जी किसके लगता है, जिराड के लिए, ऑक्टाहेड्रल जिराड होता है और टेट्राहेड्रल अनजिराड होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स हमने आज ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करे। अब मैं आपको दो क्वेश्चन करा रहा हूँ फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गेट 2012 में आया हुआ है कि द ग्राउंड स्टेट्स ऑफ हाई स्पिन, हाई स्पिन मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता जो ऑर्गल डायग्राम केवल हाई स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स को, इन जनरल हाई स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स के लिए ही वैलिड होते हैं। तो ये हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कोबाल्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली, क्या मैं बताना ग्राउंड स्टेट टर्म्स, ग्राउंड स्टेट क्या होंगी उसके। ओके फ्रेंड्स, तो कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका हो गया डी सेवन कॉन्फिगरेशन हो गया, तो डी सेवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। तो डी सेवन के, तो डी सेवन का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट होगा फोर एफ प्लस फोर पी। ओके फ्रेंड्स, तो डी सेवन, तो फ्रेंड्स बट हमें पता है कि हमें डी टू का टर्म सिंबल पता है, तो डी सेवन अगर मैं इसका एन एन फाइव फाइव के डिफरेंस पे सेम दे तो डी सेवन यानी हमें डी टू का टर्म सिंबल पता है, सॉरी डी टू का ऑर्गल डायग्राम पता है, डी टू का ऑर्गल डायग्राम हमें, हम जानते हैं कि टी वन जी नीचे आता है। ओके फ्रेंड्स, फिर टी टू जी आता है, फिर ए टू जी आता है, तो डी टू की सहायता से हम ये चीज बना सकते हैं और फोर एफ और फोर पी सेम रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये फोर एफ हो जाएगा फ्रेंड्स और ये फोर पी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीन स्प्लिट में हो जाएगा, तीन चीजों में स्प्लिट हो जाएगा, D2 पता है उसमें T1G नीचे आता है, तो ये T1G हो जाएगा फ्रेंड्स, ये T2G हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स A2Z हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और ये 4 है, 4P है, हमें पता है ये सीधा ये क्रॉस क्योंकि सिमेट्री सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका T1G, ये हो जाएगा PK। ओके फ्रेंड्स, 4 यहां लगा देंगे, ये तो अब हमें क्या बताना है कि ग्राउंड स्टेट्स ऑफ हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल क्या हो जाएगा 4T1G, तो स्प्लिटिंग कैसे होगी, यहां से हो जाएगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4T1G, हमारा पहला आंसर आ गया
तो आप देख लेते हैं 41 जी इसमें भी है फ्रेंड्स, इसमें भी है, ये तो सारे रॉन्ग हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स, यानी D7 का हो गया, D7 का हमें बताना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल 10-10 के डिफरेंस पर क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तो मैंने बताया कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल 10-10 के डिफरेंस पर रिवर्स हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल आपके, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ तो फ्रेंड्स सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग प्लीज। तो फ्रेंड्स क्या होगा, अब हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल 10-10 के डिफरेंस पर सेम होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, D7 हो गया हमारे पास, अब आ जाएगा टेट्राहेड्रल का, हमारे पास D7 है। तो D7 अगर हमारे पास है फ्रेंड्स टेट्राहेड्रल का, तो टेट्राहेड्रल का उसका जस्ट रिवर्स हो जाना चाहिए, क्योंकि D2 ये तो 5 के डिफरेंस पे, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल 5 के डिफरेंस पे। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल 5-5 के डिफरेंस पर डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब रिवर्स हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मैं इसका डिनोट करना चाहूं तो ये 4F हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये T2G हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, T1 हो जाएगा। यहां पर G तो नहीं आता क्योंकि ये जिराड नहीं होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, 4P है, ये क्या हो जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये T1F हो जाएगा, और ये T1, ये क्या हो जाएगा, P के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक स्प्लिटिंग ऑर्डर ये होगा, एक इधर से स्प्लिट होगा, एक इधर से, तो इसकी, इसके लिए क्या हो गया, 4A2। ओके फ्रेंड्स, तो 4A2 देख लीजिए फ्रेंड्स इसका है। ओके फ्रेंड्स, अब अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करता हूँ फ्रेंड्स, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है मेरा ग्रेड 2010 में आया फ्रेंड्स, मैंने एग्जांपल लिया है इसके। तो द क्रिस्टल फील्ड सिंबल फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ MnCn का होल 6 4- के लिए हमें क्रिस्टल फील्ड सिंबल बताना है फॉर ग्राउंड स्टेट। ओके फ्रेंड्स, तो MnCn4 ये क्या हो गया फ्रेंड्स, Mn+2 में हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो Mn+2 में क्या, इसका मतलब हो गया D5 हो गया। बट हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड इसका मतलब पेयरिंग करवा देगा। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, पेयरिंग करवा देगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो पेयरिंग करवाने से ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2D हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, MnCn का होल 6 आ जाएगा, तो ये आपका पेयरिंग करवा देगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हाई स्पिन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, D1 का हो जाएगा, 2D हो जाएगा, 2D किसमें स्प्लिट आउट होता है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर स्प्लिट आउट हो, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स मैग्नीज एक Mn+2 में है, बट साइनाइड है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होगा, पेयरिंग करवा देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2D हो जाएगा उसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ओके फ्रेंड्स, तो 2D का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, अगर मैं इसका और का डायग्राम डिनोट करता हूं, तो 2D हो गया, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, T2G हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, EG हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो T2G का मतलब ये 2 है, तो ये 2 इधर लग जाएगा, ये 2 इधर लग जाएगा, तो एक ही स्प्लिटिंग ऑर्डर होगा, और इसका ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा 2T2G। ओके फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने ओवरव्यू दिया है। ओके फ्रेंड्स, ऑर्गन डायग्राम, बस आपको यही बात ध्यान रखनी है, कंक्लूजन यही है कि ऑक्टाहेड्रल 5-5 के डिफरेंस पे उनके ऑर्गन डायग्राम सेम होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के 10-10 के डिफरेंस पर ऑर्गन डायग्राम सेम होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के 5-5 के डिफरेंस पे ऑर्गन डायग्राम रिवर्स हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, बस यही बात ध्यान देनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कैसी लगी आपको वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू फ्रेंड्स।